आपको दिखाने वाले हैं सबसे छोटे बजट में जो लोगों का रहता है कि यार अपने पास में एक से डेढ़ डाउन पेमेंट है और बाकी लोन कराना, पर कई बार सिविल का प्रॉब्लम आ जाता है जी। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि अपन अगर 1.5 लाख रुपए के बजट में जा रहे हैं तो मेरे पास 1.5 लाख के बजट में भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आपको लोन से उस चीज़ से फ्री रहेंगे आप बिल्कुल। तो बहुत ही ऊंचे मॉडल्स का एक डीजल वर्जन अवेलेबल है जी। जो कि होंडा अमेज है, 2020 मॉडल्स है, नहीं है मार्केट में। हाँ जी, मेरे पास अवेलेबल है जी, जो कि 2018 का 5 सीटर विद एसी वाला मॉडल है। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है आप ही के अपने चैनल MP09 इंदौर पे। और दोस्तों हम फिर से आ चुके हैं लग्जरी कार डील्स पे, काफ़ी ज़बरदस्त वाला स्टॉक लेके आए हैं। जो भाई हमारे बोलते थे कि 1.5 लाख का डाउन पेमेंट ज़्यादा लगता है, तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए सिर्फ कैश पेमेंट में 1.5 लाख रुपये में गाड़ी लेके आ गए हैं। और लग्जरी कार डील्स विजयनगर पर आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अभिजीत भैया। अभिजीत भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लग्जरी कार डील्स इंदौर विजयनगर के पास में। जी अभिजीत भैया, आज इस वीडियो में क्या दिखाने वाले हैं? आज हम आपको दिखाने वाले हैं सबसे छोटे बजट में जो लोगों का रहता है कि यार अपने पास में एक से डेढ़ डाउन पेमेंट है और बाकी लोन कराना, पर कई बार सिविल का प्रॉब्लम आ जाता है। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि अपन अगर 1.5 लाख रुपए के बजट में जा रहे हैं तो मेरे पास 1.5 लाख के बजट में भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आपको लोन से उस चीज़ से फ्री रहेंगे आप बिल्कुल। उस प्रोडक्ट में मेरे पास जो आज सबसे पहले अवेलेबल है मैं आपको उसमें शेयर करूँगा जी। जो मेरे पास अवेलेबल है 2011 की, मेरे पास MP11 की जेन स्टीलो अवेलेबल है जो कि LXI वर्जन है, प्योर पेट्रोल है। ऑनरशिप इसका थर्ड आएगा 2026 तक, इसका RC वैलिड है और इसके जो प्राइस आ रही मात्र 1,55,000 रुपये में। 1,55,000 मात्र 1,55,000 रुपये में जेन स्टीलो प्योर पेट्रोल आपके लिए अवेलेबल है। ओके अभिजीत भैया, अगर अपने दोस्तों का कुछ सवाल होंगे कि 1,55,000 में ये गाड़ी है तो कुछ ऐसा इश्यूज तो नहीं है इस गाड़ी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट अगर सस्ता है या मेरे पास में कोई प्रोडक्ट खड़ा है तो वो खराब है। खराब कोई भी प्रोडक्ट में अपन डील नहीं करते हैं। गाड़ियां तो बहुत रेंज में आती है, 70-80 हज़ार में भी आती हैं, लाख में भी आती है, 1.5 लाख में भी आती है। चीजें समझना पड़ती है उसके बाद उस चीज को परचेज करना पड़ता है, तो आपके लिए सभी चीजें यहाँ पे वेल मेंटेन मिलेगी। सेकेंड मेरे पास एक और अवेलेबल है जो कि वेगनार है, 2008 मॉडल है, LXI वर्जन है। इसका प्लस पॉइंट ये कि इसमें कंपनी फिटेड वाला LPG लगा हुआ है, DO मॉडल्स हैं, चारों टायर इसके ब्रांड कंडीशन में अच्छे कंडीशन में हैं, बीमा इसका है। इसका एक प्लस पॉइंट आपको और मिलेगा कि जो 2008 मॉडल्स हैं ये मैं इसको यहाँ से मेरे काउंटर से आपको इसका RC वैलिड 2028 तक का करके देंगे, मतलब 5 साल इसका रिन्यूअल इसका आने वाला है 10-15 दिन में, बट आपको रिन्यूअल करके मिलेगी। AC पावर स्टेयरिंग के साथ प्रोडक्ट अवेलेबल है और मात्र 1,50,000 रुपये की डिमांड पर है। 1,50,000 में यहाँ पे अगर अपन कैलकुलेशन जमाए रिन्यूअल और LPG की, वहीं पे निकल जाता है अगर 60-70 हज़ार रुपये तो वहाँ से ही निकल जाता है। नेक्स्ट हमारे सामने ओमनी खड़ी हुई है। मेरे पास एक ओमनी अवेलेबल है जो कि 2017 का मॉडल्स है जी। ऑनरशिप इसका भी सेकंड हुआ है जी। LPG इसमें 3 सिलेंडर वाला है इसके अंदर में, करीब करीब 60-70 हज़ार किलोमीटर के आसपास रन है और मात्र 2,60,000 रुपये की डिमांड पर यह प्रोडक्ट अवेलेबल है। 2,60,000 में ये गाड़ी भी आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। और नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होने वाली है अभिजीत? मेरे पास सेकंड जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो हुंडई का अपना ग्रैंड आई10 अवेलेबल है जी। जो कि 2014 का फर्स्ट ऑनर पुश बटन स्टार्ट स्पोर्ट्स वर्जन है जी। पीवर पेट्रोल प्रोडक्ट है ये, मात्र 33,000 किलोमीटर रन है इसका और आज की जो स्पेशल इसकी जो प्राइस आ रही है मात्र 4,11,000 रुपये प्राइस। 4,11,000 में ये गाड़ी देख सकते हैं। और डाउन पेमेंट की बात करें, डाउन पेमेंट की बात करें अपन तो करीब करीब 1-1.25 लाख के आसपास इसमें डाउन पेमेंट आएगा। ओके, यानी कि आपने सही कहा था कि कैश में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने मेरे पास में एक बहुत ही ऊंचे मॉडल्स का एक डीजल वर्जन अवेलेबल है जी। जो कि होंडा अमेज है, 2020 मॉडल से डीजल है, फर्स्ट ऑनर है, 55,000 किलोमीटर रन है, चारों टायर इसके ब्रांड न्यू डले हुए हैं, विद बिल मिलेगी, कंपनी मेंटेन प्रोडक्ट है ये और इसकी जो प्राइस आ रही है 8,25,000 रुपये आस्किंग है इसका। ओके, 8,25,000 में 2020 की माइलेज क्या देती है? माइलेज करीब करीब आना चाहिए इसका 25 के आसपास में। 25 के आसपास। ओके, नेक्स्ट गाड़ी अपन देख लेते हैं। मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कि बलेनो है मेरे पास में, डेल्टा वेरियंट में जी। ये MP09 नंबर है और डीजल वेरियंट है। इसकी खासियत ये कि मात्र 25,000 किलोमीटर कंपनी रिकॉर्ड के साथ अवेलेबल है ये जी। और इसकी जो प्राइस आ रही है वो 6,70,000 रुपये में आपको मिलेगी। 6,70,000 ये स्पेशल यूट्यूब के वीडियो के रेट थोड़े से अलग हैं आपके लोगों के लिए, नहीं तो काउंटर पे 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा मिलेंगे आपको। ओके, तो वीडियो के थ्रू जो आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल है। इसमें भी नेगोशिएट होगा? हाँ, थोड़ा बहुत मान सम्मान हो जाएगा आपका। और डाउन पेमेंट की वही एक डाउन पेमेंट वही 1.5-1.5 के आसपास आएगा। ओके, सेकंड एक और मेरे पास अवेलेबल है जो कि मारुति के वेगनार है जो 2012 का VXI वर्जन है,
करीब करीब 45,000 किलोमीटर के आसपास इसका रन है जी। और चारों टायर इसके नए हैं, बीमा इसका आपको नया मिलेगा, इसमें अभी एक्सपायर है जी। और VXI वर्जन है 2012 का मॉडल से, और जिसके जो प्राइस आ रही है वो 2,90,000 रुपये। 2,90,000 में यहाँ पे वेगनार लेके जा सकते हैं जी जी। जो भाई हमें कमेंट करते थे कि इको दिखा दीजिए, तो इको अवेलेबल नहीं है मार्केट में। हाँ जी, मेरे पास अवेलेबल है जी, जो कि 2018 का 5-सीटर विद एसी वाला मॉडल है जी। 57,000 कंपनी रिकॉर्ड के साथ गाड़ी अवेलेबल है, पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, एक भी इसमें कलम तक टच नहीं है। इसके अंदर LPG भी लगा हुआ है, 2 सीट एक्स्ट्रा भी लगी हुई है, फर्स्ट ऑनर है, फुल इंश्योरेंस प्रोडक्ट मिलने वाला है, नंबर MP09 मिलेगा आपको, वेल मेंटेन मिलेगी। इसकी जो प्राइस आ रही है मात्र 4,80,000 रुपये आ रही है। 4,80,000 में 2018 एसी 2018 7-सीटर LPG लगा हुआ, सभी चीज़ें अवेलेबल, और डाउन पेमेंट 1.5 लाख रुपये। ओके, एक और प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कि मेरे पास हुंडई की सेंट्रो है, जो 2020 मॉडल्स हैं, प्योर पेट्रोल प्रोडक्ट है, 31,000 किलोमीटर के आसपास इसका रन है। इसमें दोनों टायर ब्रांड न्यू डले हुए हैं, AC मिलेगा, पावर स्टेयरिंग मिलेंगे, फ्रंट टू डोर पावर विंडो मिलने वाले हैं, ABS मिलेगा, एक एयरबैग मिलेगा, मतलब एक जो नॉर्मल चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें आपको इस बजट में मिलने को। 20 मॉडल की प्योर पेट्रोल गाड़ी है, इसका जो प्राइस आ रहा है मात्र 4,35,000 रुपये आ रहा है। 4,35,000 रुपये में 20 मॉडल की सेंट्रो। ओके, और नई गाड़ी की बात करें, अगर ये 20 मॉडल है तो एक बार पूछ, अगर मैं नई गाड़ी की बात करूँ, अभी तो मॉडल डिसकंटिन्यू शोरूम पर, बट करीब करीब 6-6.5 के आसपास में ये रनिंग में था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, मेरे पास एक कम बजट में डीजल वेरिएंट अवेलेबल है, जो कि 2010 की मेरे पास स्विफ्ट VDI अवेलेबल है, ऑनरशिप सेकंड आएगा, 80,000 किलोमीटर के आसपास इसका रन है, VDI वर्जन है, AC, पावर स्टेयरिंग, चारों पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, इसमें सभी चीज़ें अवेलेबल है। MP09 नंबर की, जैसा आपने देखा कि मेरे पास अधिकतर प्रोडक्ट्स जो हैं सारे 09 नंबर के हैं, और इसकी जो प्राइस आ रही है मात्र 2,65,000 रुपये में आज अवेलेबल है। ओके, और डाउन पेमेंट इस पे करीब करीब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा लोन के लिए, क्योंकि 10 मॉडल्स हैं, तो कोशिश करें कि नगद में लें, नहीं तो इसमें करीब करीब 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट आएगा। ओके, 50% के आसपास डाउन पेमेंट आएगा। नेक्स्ट हमारे सामने खड़ी एक और मेरे पास डीजल वेरियंट में अवेलेबल है, जो कि हुंडई का एक्सेंट है, पुश बटन स्टार्ट है, टॉप वाला मॉडल है, 2014 का फर्स्ट ऑनर प्रोडक्ट है, डीजल है, इसका माइलेज करीब करीब आप माने 22 से 25 के बीच में आता है जी। टॉप मॉडल में आपको सभी चीज़ें मिलने वाली है, AC, पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडो, पुश बटन स्टार्ट, एयरबैग, ABS, अलॉय व्हील, सभी चीज़ अवेलेबल है, मात्र 61,000 किलोमीटर के आसपास इसका रन होगा, और इसकी जो प्राइस आ रही है वो मात्र 4,45,000 रुपये आस्किंग प्राइस। ओके, 4,45,000 में यहाँ से एक्सेंट ले जा सकते हैं, डीजल वेरिएंट ले सकते हैं, जो कि आप डीजल वेरिएंट जैसे शोरूमों पे बंद हो चुके हैं तो मार्केट्स में इसकी काफ़ी सारी डिमांड रहती है, बट अपन वही प्रोडक्ट यहाँ पे सजेस्ट करते हैं जो वेल मेंटेन है, या जिसमें कोई काम ना निकले। कई बार लोगों के सवाल रहते हैं कि कोई लूंगा तो कोई खराबी तो नहीं आ जाएगी, बट हम भी चेक करते हैं, हमारा मैकेनिक भी चेक करता है, फिर भी उसके बाद भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप आपके मैकेनिक को लेके आ सकते हैं, कंपनी में गाड़ी नंबर से ले जाके हिस्ट्री चेक करके परचेस कर सकते हैं, बाकी तो 100% सर्टिफाइड कार है। सर्टिफाइड रहेगी और आप भी सर्टिफाई हो उसके बाद ही प्रोडक्ट परचेस करें। बिल्कुल, कहाँ पे आना है लग्जरी कार डील्स? लग्जरी कार डील्स के लिए आपको रेडिसन चौराहे से सर्विस रोड पे आप विजयनगर तरफ डालेंगे तो लेफ्ट साइड के सर्विस रोड पे आपको लग्जरी कार डील्स मिलेगा, अतिथि रेस्टोरेंट के पास में। ओके, तो दोस्तों काफी जबरदस्त स्टॉक यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी WRV Ertiga, 2 Ertiga है, वरना भी है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं 7-सीटर गाड़ियों का काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।